पिछले दिनों उन्होंने कह दिया कि अगर कश्मीर से धारा 370 को हटा दी गई तो कश्मीर में तिरंगे झंडे को उठाने वाला कोई नहीं मिले। जब हो सकता है हमने से आप लोग भी कितने लोग बैठे हो किसी पार्टी से संबंध रखते हो, कोई समाजवादी से हो सकता है, कोई बसपाई से हो सकता है, कोई कांग्रेसी भी हो सकता है, कोई भाजपाई भी हो सकता है, लेकिन जब सवाल राष्ट्र की अस्मिता का हो, जब प्रश्न देश की मर्यादा का हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी। हमारा पहला कर्तव्य हिंदुस्तान का, एक ऋण राकेश भाई ने बताया कि जीवन में एक मात्र ऋण और एक गुरु का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। मैं कहता हूं कि एक बार आप प्रयास कर लो तो शायद मातृ ऋण और गुरु का ऋण चुका देंगे, मगर मातृभूमि का ऋण कभी नहीं चुका सकते। उस मातृभूमि को सलाम करता हूं मैं, लेकिन जब किसी राज का शीर्ष नेतृत्व ऐसी ओछी भाषा बोलने लगे तो जवाब देने की हिम्मत मैं करता हूं और आप लोगों की भी तरफ से करता हूं। अगर कविता की लाइन पसंद आए तो आपकी तालियों में इतनी जान होनी चाहिए कि यहां नहीं कश्मीर भी हिल जाए। सुनिएगा, बेशक तेरे पंख लगे हैं, बेशक तेरे पंख लगे हैं, मगर व्यर्थ मत दौड़ा कर, ओ मुक्ति सईद की बेटी, जुबान संभाल कर बोला कर। बेशक तेरे पंख लगे हैं, मगर व्यर्थ मत दौड़ा कर, ओ मुक्ति सईद की बेटी, जुबान संभाल कर बोला कर। तूने ये कैसे कह डाला, तन मन नहीं खिलेंगे अब, राष्ट्र ध्वजा को पकड़ थामने वाले नहीं मिलेंगे अब। तुझको शायद सही बात का, तुझको शायद सही बात का हर दिन भी अंदाज नहीं, तुझको शायद सही बात का हर दिन भी अंदाज नहीं। ये मर्दों का अमर तिरंगा, ये मर्दों का अमर तिरंगा छक्कों का मोहताज नहीं। इस ध्वज की रक्षा के खातिर, इस तिरंगे का कितना खूबसूरत इतिहास रहा है, इस तिरंगे में कितनी वेदना सही है, सुनिएगा। अगर रूम रहे हो तो बता दीजिएगा। इस ध्वज की रक्षा के खातिर, इस ध्वज की रक्षा के खातिर हाथों की चूड़ियां टूटी हैं, इस ध्वज की रक्षा के खातिर हाथों की चूड़ियां टूटी हैं, इस ध्वज की रक्षा के खातिर बहनों की राखियां टूटी हैं, इस ध्वज की रक्षा के खातिर रुद्र पिता भी रोए थे, इस ध्वज की रक्षा के खातिर रुद्र पिता भी रोए थे, इस ध्वज की रक्षा के खातिर रणवीर नींद आखिरी सोए थे। तो तेरे ही सोचे बयान से, तेरे ही सोचे बयान से हम सब भी शर्मिंदा है, इसे उठाने भारत मां के लाख करोड़ों जिंदा है। अब तक तूने इस ध्वज का बेढंगा ढंग नहीं देखा, अब तक तूने इस ध्वज का बेढंगा ढंग नहीं देखा, रंग तीन देखे होंगे पर असली रंग नहीं देखा। अब तक तूने इस ध्वज का बेढंगा ढंग नहीं देखा, रंग तीन देखे होंगे पर असली रंग नहीं देखा। यही ध्वजा है, यही ध्वजा है जिसने जाकर चाइना में रंग रचा डाला, और यही ध्वजा है जिसने जाकर बांग्लादेश बना डाला। कभी हम बांग्लादेश को भूमि पाकिस्तान के नाम से जानते थे। इतिहास गवाह है भारत की सबसे सशक्त प्रधानमंत्रियों में
इंदिरा गांधी जी एक आंख पाकिस्तान की उठी थी तो उन्होंने उस पाकिस्तान को खंड खंड कर दिया। और हमारे आज के नेता हैं, कहते हैं जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को बंद नहीं करता हम बातचीत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं सीमा पार से आतंकवाद बंद करने की जरूरत नहीं है, जरूरत सीमा के अंदर के आतंकवादियों को बंद करने की है, जरूरत सीमा के अंदर पनप रहे आतंकवाद को बंद करने की है। ये किसी ने नहीं कहा, अजीब सी समस्या है इस देश की। बड़े बड़े नेता ऐसी कमरों में बैठ करके बयान दे देते हैं, किसी सैनिक की मृत्यु पर कि सैनिक मरने के लिए होता है, किसी ने और मेहनत किया तो थोड़ा सा और बात आगे को बोल दिया कि किसने भेजा था उन्हें सीमा पे लड़ने के लिए। यहाँ तक तो बात ठीक है, ये मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी हुआ करते थे, उन्होंने कहा एक उनके राज्य में एक सैनिक शहीद